तब पीयूष चावला आए पीसी में और उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि कप्तान रोहित शर्मा जो मुंबई इंडियंस के पूर्व कप्तान हैं वो पीठ में जकड़न की वजह से दर्द की वजह से कल प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं थे। उन्होंने बताया कि चूंकि एहतियातन ये कदम उठाना बहुत जरूरी था क्योंकि T20 वर्ल्ड कप है और अभी 3 मैच इस सीजन में भी और खेलने हैं मुंबई इंडियंस को, उस लिहाज से भी रोहित शर्मा का फिट रहना बहुत जरूरी है, इसीलिए कल उन्हें इंपैक्ट प्लेयर के रूप में टीम में रखा गया। वो सिर्फ बैटिंग करने के लिए आए थे, फील्डिंग करने रोहित शर्मा नहीं आए थे। तो ये एक अपडेट आई है पीयूष चावला की ओर से, मुंबई इंडियंस की ओर से, कि रोहित शर्मा अनफिट हैं। 37 साल के रोहित शर्मा जो अभी भी 37 साल के पूरे हुए हैं, वो वर्ल्ड कप से पहले और पीठ में पेन की वजह से वो पहले भी इंजर्ड होते रहे हैं, चोटिल होते रहे हैं। आईपीएल की शुरुआत से पहले भी बैक में पेन हुआ था रोहित शर्मा को और उस पेन की वजह से वो कुछ समय तक क्रिकेट से दूर रहे थे, मैदान से दूर रहे थे। लेकिन रोहित शर्मा एक बार फिर से उसी चोट से जूझ रहे हैं। कल ये अपडेट पीयूष चावला ने दी कि वो पूरी तरीके से फिट नहीं है, उनकी पीठ में जकड़न है, लिहाजा वो कल के मुकाबले में प्लेइंग 11 में शामिल नहीं थे। चूंकि अब आईपीएल में इंपैक्ट प्लेयर रूल लागू है जिसके तहत कोई भी खिलाड़ी अगर फील्डिंग ना करना चाहे तो वो फील्डिंग नहीं करता है, वो सिर्फ बल्लेबाज के रूप में बैटिंग कर सकता है, खेल सकता है। तो इसीलिए रोहित शर्मा कल बैटिंग करने आए केवल और फील्डिंग करने नजर नहीं आए। लेकिन ये झटका भारत के लिए बड़ा है क्योंकि टीम इंडिया और भारतीय टीम, भारतीय फैंस की नजरें हैं T20 वर्ल्ड कप पर। खैर अभी उसमें वक्त है, 1 महीना बचा हुआ है और ज्यादा मैच भी अब रोहित शर्मा को नहीं खेलने, केवल 3 मैच और बचे हैं मुंबई इंडियंस के। हो सकता है बचे हुए 3 मैचेस में से वो 1-2 मैचेस में रेस्ट भी कर लें और 21 मई को रोहित शर्मा की अगुवाई में वो खिलाड़ी जो प्लेऑफ नहीं खेलेंगे उन्हें USA रवाना होना है।